सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना। काफी ज्यादा हिम्मत करके इतनी ठंड में हमने एक छोटा डिसीजन लिया कि हम जा रहे हैं अभी। एक बार हमारा जॉइंट प्रिंट आ चुका, मेरा घर जाने का मन करता ही नहीं भाई, मैं एक बार बाहर आ जाऊं तो मैं ऐसा करता हूं, घूमते रहो और घूमते रहो और घूमते रहो। देख ये छोटी छोटी गलियां यहाँ पे, मैंने कहा चल यहीं से निकालता तेरे को, आज बाहर से क्या जाएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ से। लेफ्ट लोकेशन आगे से। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हमारे भाई साहब ने एक जबरदस्त भाई साहब क्रॉस किया है, आज वो हाफ सेंचुरी क्रॉस कर गए हैं। ओ जप्पी पप्पी किडनी बंद कर दिया, जप्पी मार गया था। कहीं हुंदी सी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम भाई रात को सोए नहीं, वीडियो एडिट कर रहे थे, बातें कर रहे थे भाई, क्योंकि दिन में इतना सो गया, नींद ही नहीं आई रात को, तो सोच रहा हूँ सुबह थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, जरा बाहर होके आते एक बार कुछ खाने का, देख के आते हैं। चलिए पेस्ट्री काटी, उसके बाद नीचे आज सबसे ऐसे बैठे हैं, सुबह मेरे साथ ही बैठा हुआ था, हमने साथ में लोही ले लिया भाई, साथ में रख लेंगे स्कूटी डिक्की में, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। और ब्लॉग अपना अपलोड हो रहा है, हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, तब तक हम आएंगे। मैंने भाई जैकेट जैकेट सब तैयार कर रख लेता हूँ साथ में, लेट्स गो। चलिए एक वेदर आउट देयर, टेम्परेचर भाई साहब 11 डिग्री हो चुका है और एकदम चिलिंग हवा चल रही है इस समय, सुबह के 5:40 बजे लोग उठ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके इतनी ठंड में हमने एक छोटा डिसीजन लिया कि हम जा रहे हैं अभी अशोक विहार, क्योंकि मुझे पता है सुबह 5:45 पे और कहीं कोई ठंडा खाने को मिलेगा अशोक विहार या पराठों के अलावा। डिसीजन बहुत मुश्किल था पर हमने मिलके ले लिया, क्योंकि भाई ठंड में मन नहीं कर रहा जाने का और भूख में पेट में बोला नहीं, जाओ जाओ जल्दी खा के चलते हैं अशोक विहार, मिलते हैं पहुँच के। चलो सुबह हमें धोखा दे जा रहा, बंद हो खुला होना चाहिए भाई। भाई इस लेफ्ट ले बस, यहाँ से नहीं आगे से, आगे से भाई यहाँ से बनवा रहा था इसको, समझ गया। चल बढ़िया, लेफ्ट ले ले फिर भाई, बंद ना हो बस, अंदर को साथ यहाँ से राइट ले ले, तेरे को पता था यार भाई खुला हुआ लग रहा है, मुझे तो भीड़ से लग रही है। चल चल ले 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 ले, डॉग से इतना क्यों डरता है, सुना के घुमा के लियो स्कूटी, वही लाइए उसकी दुकान के आगे, बिल्कुल भाई खुला हुआ है मुझे लग रहा है, आधे खुल गए हैं। पूछो मोहन से कि सुबह कितने बजे मतलब मिनिमम खोल देते हो, 5:30-5:30 रात को कितने बजे बंद करते हो, सब कुछ जानकारी लेके जाऊंगा। यार बैक ऑन द कौन सा टेबल है, कैसे रॉकिंग टेबल, रॉकिंग टेबल चेक करो, पूरे एग्जैक्ट 6 बजे हम पहुंचे यहाँ पे, 5:30-6 बजे देख लो कितनी भीड़ है इसके पास, सच में भाई दो आलू के पराठे और दो गर्मा गर्म चाय बोल दी हमने तो, चाय की जरूरत है कि नहीं है। और ये फाइनली अपने पराठे आ चुके हैं, बस चाय का वेट है भाई, साइज तो सच में क्या ही बोलूँ मैं, आधे किलो कम से कम आलू ऐसे रखते हैं। चाय भी आ चुकी है, थोड़ी लेट आई है यार, आधा पराठा तो यूज़ ही हो गया पर कोई नहीं, जो भी है मस्त लग रही चाय। एक 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 पराठा तो हमने खा लिया, हमने ना एक और मंगा लिया, दोनों आधा आधा खा लेंगे क्योंकि भाई भूख ने पेट नहीं भरा हमारा, और 20 मिनट लग गए हम एक पराठा खत्म करने में, समझ लो। एक बार हमारा जॉइंट पराठा आ चुका, ये मेरा तो हो गया फुल, ये लगा हुआ खत्म करने के लिए, क्या हुआ खाने जा रहा क्या भाई, डेढ़ पराठे में अपनी टाइम बोली और भीड़ देख रहे बढ़ती जा रही है यहाँ पे। तो गाइस अभी पंडित जी के पराठे खा के हम निकले हैं और मैं सोच रहा हूँ नानक पे गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया जाए, क्योंकि गुरुद्वारा या साहिब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता ही है, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब ये फ्लाई ओवर चढ़ रहे हैं उतरेंगे पहुँच जाएंगे, बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा घर जाने का मन करता ही नहीं भाई, मैं एक बार बाहर आ जाऊँ तो मैं ऐसा करता हूँ, बस घूमते रहो और घूमते रहो और घूमते रहो। देख लो कितना सुहाना मौसम हो गया, मॉर्निंग्स इन दिल्ली, दिल्ली की मॉर्निंग्स देख लो। गुरुद्वारे पहुंच गए हम, दिल की रोशनी भी आ गई और हम आ गए नानक का गुरुद्वारे में, हाथ धोने के बाद फिर चले गए। सात बज चुके हैं, टेम्परेचर भी 11 डिग्री है। नानक का गुरुद्वारे से जस्ट बाहर, मतलब गुरुद्वारे में ही थे अभी बैठे थे और अभी चले घर पे भाई, नींद नहीं आ रही आज तो, पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा मेरे को, इसको भी नहीं आ रही। सही है बाकी, अभी चलते हैं घर पे, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे घर जाके।
अच्छा हो गया, काफी अच्छा हो गया। जब हम सुबह सुबह मतलब आगे गुरुद्वारे है ना, मूड मेरा फ्रेश था हो गया बिल्कुल। और हमने पंच स्नान भी कर लिया, अब तो हम नहा भी लिए, वो नहाने के बराबर ही होता है सच बता रहा हूँ। पेट भी भर गया और अब नींद पता नहीं कब आएगी। वीडियो एडिट कर चुका हूँ, बस अपलोड हो चुकी है, वो भी देखना गाइस। प्यार करा करो वीडियो को, इस वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपने नहीं करी अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे जरूर। ये नानक प्याल, ये है जहाँ से मतलब जलाता है, इस जगह से अभी जल ले लेते हैं घर के लिए। यहाँ से भी हमने बंगला सबसे तो ले लिया था, हमने जल ले लिया यहाँ से, अंदर रख लिया, डिक्की में रख लिया, डिक्की में रख लिया जल। सलमान निकाल दे बस, चलो चलते हैं। अभी हमने गुरुद्वारे से एग्जिट ले लिया है, अब फाइनली हम जा रहे हैं घर की तरफ और आपको मिलते हैं घर पहुँच के। भाई घर चलते हैं फटाफट से, टाइम हो चुका है शाम के साथ, शाम कह रहा हूँ सुबह के 7:05 हो गए, बिल्कुल शाम जैसा हो रहा है। ना तो धूप हो रही है, ना ही गर्मी हो रही है, ना ही ठंड हो रही है, बस ठंड हो रही है ये तो बात माननी पड़ेगी, पर धूप बिल्कुल भी नहीं है। 7:00 का सूरज निकला अभी और अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है देख के। देखो प्यारा हो रहा है सच में, फॉगी सा वेदर हो रहा है। बल्कि गाइस अभी हम घर पहुँचे हैं और अनन्या का स्कूल का टाइम हो गया, अनन्या काम कर लिया सारा, वो कहने डाल दो उसकी कैमरा जा, छोड़ गया जल्दी छोड़ गया भाई इसको घर आते हो। भाई ग्लव से जाएगा स्कूटी के अंदर, अच्छा याद आ गया ग्लव। हाँ कहीं से भी सुबह के 7:45 हैं, अनन्या अभी स्कूल चली गई है और सब भाई उठने वाले लगभग। बट मुझे अभी भी भाई हमें ना मतलब अब हल्के की नींद आने लगी है। वैसे तो अब मैं वीडियो लाइव कर चुका हूँ, 10:00 का टाइम लगा दी मैंने वीडियो का, 10:00 वीडियो अपलोड तक पहुँच जाएगी। और भाई वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया करो, फिलहाल अभी थोड़ी देर सोते हैं और उठ के मिलेंगे आपसे। आज शिफ्ट भी करनी है भाई, नाइट शिफ्ट आदमी तो सोना जरूर पड़ेगा दिन में। तो भाई अभी पता है टाइम हो चुका है शाम के 8:00 यार, अब जाके मैं उठाऊँ, मैं नहा धो के तैयार हो गया, मतलब 8:00 उठा था मैं एक्चुअली, अब बज रहे हैं 9:00 वाले हैं और मैं जैसे उठा मेरे भाई जमी नहीं थी, मैंने कहा इतनी लेट हो गया मैं उठने में, सुबह का खाया हुआ था कुछ खाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया। आज मंगलवार वैसे ही है, पापा का बर्थडे भी है, केक भी लाना था, सारे काम करने सब रह गए। फिर मैंने इशू को बोला कि भाई तू जाके केक ले आ, मैं गुरुद्वारे के आ रहा हूँ, फिर मैं तेरे को आगे ज्वाइन करूँगा। 11:00 का मैं टाइम रखा केक कटिंग का, फिलहाल भी केशव और मैं गुरुद्वारे जा रहे हैं फटाफट से तिलकनगर, क्योंकि मंगलवार को जाना होता है हमें भाई, वहाँ के आते हैं उसके बाद अपना केक कटिंग करेंगे और फिर अपनी शिफ्ट भी आज 11:00 बहुत हेक्टिक हो गया भाई, जल्दी निकलते हैं फिर रस्ते मिलते हैं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं तिलकनगर गुरुद्वारे, सुबह भी गुरुद्वारे गए थे शाम को भी जा रहे हैं। सुबह इसलिए गए थे क्योंकि रात को हम सोए नहीं थे, तो सुबह इसलिए हम चले गए थे, वरना ट्यूजडे को तो हर मंगलवार को हम जाते हैं फतेहनगर। फिलहाल अभी ना सीन ऐसा है, ईशू केक ले आया घर पे, उसका फ़ोन आया था अभी और 11:00 का हमें टाइम लगा, हम भी 11:00 तक पहुँच जाएंगे घर पर, मेरी शिफ्ट भी भाई 10:45 चालू हो जाती है। फटाफट से गुरुद्वारे पहुँचते हैं उसके बाद फिर आते हैं घर। 10:00 में मुश्किल से 20 मिनट रहे हैं और अभी हम तिलकनगर पहुँचे नहीं है, पहुँचने वाले हैं, मतलब तिलकनगर तो पहुँचे, फतेहनगर गुरुद्वारे नहीं पहुँचे। गुरुद्वारे वाली गली में अपन पहुँच चुके हैं अभी, फटाफट स्कूटी लगाते हैं कहीं पर साइड में और अपना चलते हैं। लेफ्ट लोकेशन ये वाली गली है, हाँ यही है लेफ्ट ले, और सामने अपना गुरुद्वारे तो है, लगाते साइड में स्कूटी और चलते हैं अंदर, यहाँ लगा दे लेफ्ट साइड में, हाँ कहीं पर लगा दे, कराते हैं जमा। बहुत प्यार सत्कार नाल गुरु के हजूर महला पहला जय कर श्री गुरु शिव प्रदेश गुरु गुरु कोवे प्रसाद मिल गया, प्रसाद खा लो, दर्शन तो आपने कर लिए होंगे, ऊपर अलग भी जोड़ा कर जा रहे हैं, जोड़ लेते हैं निकलते हैं। 10:05 हुए हैं, चलते हैं जी हम बारे के बाहर ही, लंगर और गया मतलब कि कड़ी चावल का लंगर हो रहा था, मैंने कहा चलो खाते हैं चलते हैं, 2 मिनट लगेंगे, केशव लेने गया मैं, ले आया तू भी चम्मच नहीं ला, ले आया खा ले, खा ले बाकी मैं खा लूँगा, कह रहा मेरा मन नहीं है, मैंने कोई नहीं मैं खा लूँगा तेरी जगह, गुरुद्वारे के पीछे वाली गली में चले जा रहा हूँ, अरे खुली होगी चल, ये छोटी छोटी गलियाँ यहाँ पे, मैंने कहा चल यहीं से निकालता तेरे को आज बाहर से क्या जाएगा, जल्दी पहुँच जाएंगे यहाँ से, लेफ्ट लोकेशन आगे से। शुक्र रहा था कि मनोज वाले से समोसे ले आना, अगर खुला हुआ तो ले लेंगे, मुझे लग नहीं रहा मनोज खुला हुआ इस टाइम, क्योंकि टाइम तो भाई ओवर ही हो चुका है, 10:15 हो चुके हैं, बाकी चेक करते हैं मनोज खुला हुआ नहीं खुला हुआ, जब राइट ले लिया वापस मंदिर के सामने, मनोज बंदा इशू, सॉरी इशू भाई मेरी गलती नहीं है, बंद हो चुका है 10:15 हो गया, पहले गुरुद्वारे जाने जरूर था क्योंकि मुझे लॉग इन भी करना करा गया, ठंड हो गई है, मैं तो अपना पैक हो जाऊँ लोई और अपना रुमाल करके। इतनी तेज हवा चल रही है ना, इतनी तेज हवा चल रही है ना, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही, ट्रैफिक में शोर इतना हो रहा है, हवा चल रही है, मेरी पूरी लोई उड़ चुकी है भाई साहब, हवा में उड़ रही है पूरी की पूरी, बहुत मुश्किल हो गया आज पहनना, आज बहुत तेज हवा चल रही है, पता नहीं पीछे मेरी आवाज़ आ रही थी नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था वहाँ पे और हवा
साउंड मतलब एयर ब्लास्ट इतना तेज है ना, ये लोही मेरी उड़ी जा रही है भाई, बड़ी मुश्किल मैंने संभाल रखी है। आज सुबह इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी आप बोल रहे हो, क्योंकि इस समय ना हवा बहुत तेज चल रही है भाई, सच बता रहा हूँ। बाकी फिलहाल भाई शिफ्ट का टाइम हो चुका है, मैं लेट हो चुका हूँ 5 मिनट, देखता हूँ फटाफट से जाकर लॉग इन करता हूँ, फिर केक काटेंगे, इशू को फोन करता हूँ, घर आ जाएगा। फाइनली अपन पहुँचे घर पर, फटाफट से लॉग इन करता हूँ, और इशू भी शाम में चले गए, उनको कॉल करता हूँ, वो भी आ जाएंगे, फिर काटेंगे 11 बजे करीब। सो गाइस अभी टाइम आ चुका है केक कटने का, मैंने इशू को बुला लिया है, फटाफट से आ जाओ, अपलोड इनके चक्कर आ जाएगा, पता नहीं किस खुशी में। हाँ भाई भाई शाम से आ रहे हैं, किस खुशी में आ रहे हैं, रोक के बैठे हुए, रोक चक्कर रोक के बैठे थे, इन्होंने सीधे से हाथ लाया, चक्कर ऐसे ऐसे शुरू हो गए दोबारा, कमाल है भाई। लॉग इन फिलहाल अपन लॉग इन भी कर चुके हैं, केक तो बढ़िया ले आया, इतना बढ़िया लगेगा। मैं सारे आ चुके हैं फाइनली बाहर, एंड केक कटिंग बस शुरू होने वाली है, मैं थोड़ा काम करने लग गया था, इस वजह थोड़ा टाइम लग गया, बट मैंने कहा पूरा हो चुका है, देखो शोर इतना मचा रहे, मेरी आवाज पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, क्या करते हैं केक कटिंग। मिल गया पसंद क्या चलो काटो फिर, मैं तो कर रहा हूँ बढ़िया, मैंने कहा बोला बेकार है, बेकार है, आप ये खाना मत, हाँ भाई तू कहाँ कोने में छुप के बैठा है, भाई सारे इकट्ठे हो चुके हैं केक काटने के लिए, बर्थडे बड़े भैया ने 50 साल पूरे किए हैं और हमारे बेटे ने 18 साल। कब हुए? कब हलिया बजाइए, कब कब सितंबर 2023 को हमारा बेटा 18 साल का है और अभी वोट डालने लायक हो चुका है। कौन है? जिंदगी नहीं रहा, छोटी बड़ गई। गाइस अपना केक भी आ चुका है, मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी ढीली थी तो उन्होंने आज कुछ बनाया नहीं खास, खीर बनाई है खाली और थोड़ा सा मतलब अपना रोटी सब्जी होती है वो बनाई है, तो अभी फिलहाल खीर खिलाते सबको, चम्मच है बाहर, बाकी खाना पीना हम कल कर लेंगे शाम को भाई जो जाके सारे, चम्मच है बाहर, चम्मच नहीं है बाहर, खत्म हो गई शायद, बाकी गर्म हो रही है, लो जी ठंडे वाले ले लो, कम करके पागल है क्या तू, तो कपड़े करवा के लगा, चल कपड़े करवा ले, वीडियो बन रही है, था अपने खीर खाओ छोटू बेटा, कम करा के लाओ, लो ठंडी 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 ठंडी, चम्मच है खाते हैं बहुत ज्यादा, चम्मच के खा रहे हो ऐसा, चम्मच है भाई अंदर बहुत सारी है, अच्छी लगी खीर, केक बेकार था, अच्छी खीर अच्छी है, खा ले भाई, खा ले भाई जितने खा ले, ले भाई और ले ले, कोई बात नहीं, नहीं भाई पूरी ले, पूरी भाई पूरी लेते हम, नहीं भाई नहीं भाई नहीं नहीं, कितने बजे आने फिर पार्टी, शाम को आ जाओ, 6 बजे, 6 बजे नहीं यार, 5 बजे, 8 बजे आती भाई, कल पार्टी है ना भाई, आइए भी आ जाएगा 8 बजे तक, मेरे को थोड़ा सा काम आ गया ऑफिस का, बंदर आके बैठा हूँ, बाकी सब लोग बाहर अपना एंजॉय कर रहे हैं, काम करना जरूरी है पहले, यार ये अंदर बाहर बातें चलती है कुछ, मेरा काम आ गया जरूरी, पहले मैं वो निपटाऊँ फिर जाता हूँ बाहर, मेरा काम तो भी निपट रहा नहीं है, बाकी सब लोग जा रहे हैं अपने घर, मिलने एक बार भाई, फोन कर दिया 8 बजे, अपने आप करियो, मैं नहीं करूँगा, मैंने देनी है लेनी नहीं है, तू करेगा फोन, मैं नहीं करता मना, याद रखियो मैं मना नहीं करता कभी, अच्छा ओके ओके, पार्टी देगा कैसे, हाँ ले लो, कैसे देगा पार्टी, ओ जप्पी पप्पी
किडनी में दिमाग कल शाम ना इसने ले लिया बढ़िया पार्टी करने चलेंगे 2000 रुपए ले लियो भाई अभी फिलहाल सारे जा रहे हैं मैं और मेरा काम आज अटक गया कुछ उसके चक्कर में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया ज्यादा करता हूँ अभी क्या चल रहा है पता है भाई हमने केक शेक सब खा लिया सारा सिस्टम हो गया सब घर चले गए अपने और अभी भाई मैं थोड़ी सी चाय पीऊंगा क्योंकि मेरे को रात भर करनी है शिफ्ट रात भर मुझे शिफ्ट करनी है अपनी तो इसीलिए भाई मैं चाय पी के अपना करूंगा नींद खराब और ये सब लोग जाके सोएंगे अपने ऊपर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलेंगे कल दोबारा एक बेहतरीन से ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।